हाय एवरीवन, आई एम पुनीत ग्रोवर। स्वागत है आपका हमारे चैनल फुल वैरायटी में। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक जबरदस्त सा टॉपिक लेकर आया हूं। आज मैं आप सबको बताने वाला हूं घर बैठकर कैसे अच्छी खासी अर्निंग की जा सकती है। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं कोई ऐसी बात नहीं करने वाला हूँ कि वेबसाइट को यूज़ करो, इस वेबसाइट का यूज़ करके इसके अंदर रजिस्ट्रेशन फीस 2,000-1,500 रुपये लगाओ, फिर उसके बाद आप अर्न करो, या किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और अपने दोस्तों से शेयर करो और उसके बाद अर्न करो। नहीं, मैं ये सब चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ रियल अर्निंग के बारे में कि कैसे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको अच्छी खासी अर्निंग देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखते हैं। और वीडियो देखने से पहले फटाफट से लाइक करके जुड़ जाइएगा वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं बात करूंगा YouTube के बारे में। YouTube के जरिए आजकल आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। बस आपको क्या चाहिए, एक अच्छा खासा स्मार्टफोन हो जिसमें अच्छा खासा कैमरा हो और 1,000-1,200 रुपए तक का एक माइक चाहिए। तो दोस्तों, इसके थ्रू आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। आपको सिर्फ अच्छा खासा कंटेंट लिखना है, और कंटेंट आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता है, हॉबी से रिलेटेड हो सकता है, आपकी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, आपके इंटरेस्ट के थ्रू हो सकता है। तो आप इससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट, आप कंटेंट यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मोबाइल के रिव्यूज आप दे सकते हैं, न्यूज़ के बारे में आप बता सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आप किसी भी टाइप के कंटेंट को, हेल्थ से रिलेटेड, इनफैक्ट आप किसी भी टाइप के कंटेंट को जो आपको आता है उस टाइप के कंटेंट की वीडियो बनाए और उस वीडियो को बनाने के बाद यूट्यूब पर पब्लिश कर दे। अब सबसे मेन बात आती है कि हम कमाएंगे कैसे, अर्निंग कैसे होगी। यूट्यूब पर अर्निंग करने के लिए एक प्रोग्राम आता है जिसे बोलते हैं गूगल एडसेंस। यस, गूगल एडसेंस क्या है, एक प्रोग्राम है जिसमें गूगल एड्स देती है आपके वीडियोज के ऊपर, आपके कंटेंट के ऊपर एड्स देने के बाद उसमें जब भी कोई लोग उस वीडियो को देखते हैं, उस कंटेंट को देखते हैं, उस एड को देखते हैं, तो आपको अच्छी खासी अर्निंग मिलती है। और अर्निंग मिलती है सब्सक्राइबर से नहीं मिलेगी, अर्निंग मिलेगी आपको व्यूज के थ्रू। हाँ जी दोस्तों, अगर आपकी कंफ्यूजन है कि सब्सक्राइबर के थ्रू अर्निंग मिलती है, दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अर्निंग मिलती है व्यूज के थ्रू, और व्यूज में भी अगर मैं और डीप में जाऊँ तो अर्निंग उन्हीं को ही मिलेगी जिसकी वीडियो पर एड्स आएंगे और लोग उस एड को देखेंगे। यस दोस्तों, इसके थ्रू आपकी अर्निंग होती है। तो यूट्यूब एक अच्छा खासा सोर्स है अर्निंग करने का। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जिसके थ्रू आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, वो भी लॉन्ग टर्म तक, दैट इज ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग के थ्रू आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। सपोज करो आपको शायरी का शौक है, या आप क्योर्स बना सकते हो, या फिर आप टेक्नोलॉजी के बारे में लिख सकते हो, या फिर आप एजुकेशन के बारे में लिख सकते हो, या फिर आप लॉ से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, यानी कि जो यूट्यूब पर कर पा रहे हो, बस इसमें आपको वीडियोज नहीं बनानी है, इसके अंदर आपको ब्लॉगिंग करनी है, अच्छे खासे कंटेंट लिखना है, पोस्ट लिखनी है और उनको अपने दोस्तों से शेयर करनी है। जैसे जैसे वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी ब्लॉगिंग से आपकी अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें भी जो यूज में आता है, दैट इज योर गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस के थ्रू आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों, दो तरीके मैंने अभी आपको बताया है, यूट्यूब और ब्लॉगिंग। इन दोनों के तरीके आप बहुत डिफरेंट मिलेंगे आपको और अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हो। अब मैं आपको जो तीसरा तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल डिफरेंट होगा इन चीजों से और शायद आपने सुना भी नहीं होगा, वो है डोमेन सेलिंग का, या फिर आप कह सकते हो डोमेन एक्सपायरी का। तो दोस्तों, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, सबसे मेन है इसके अंदर डोमेन सेलिंग का। इसके अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, एक्टिव रहना है थोड़ा सा और देखना कि कौन सी नई चीज मार्केट में आ रही है। लेट्स एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आधार कार्ड आया, जियो आया, सपोज करो जियो आया और आपने देखा कि जियो की जो डोमेन है यानी कि jio.com सपोज करो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपने फटाफट उस डोमेन को यानी कि URL को खरीद लेना है। उस डोमेन को खरीदने के बाद आपने अपने पास रख लेना है, यानी कि इसके अंदर हमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, दैट इज 500-600, इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। और ऐसे सपोज करो आपने 10-12 डोमेन्स खरीद के रख लिए, जो भी नए नए मार्केट में कुछ लॉन्चेस हो रहे हैं, कुछ ना कुछ इवेंट्स के थ्रू रख लिया आपने जो डोमेन है रजिस्टर्ड अपने पास। अब सपोज करो जियो जैसे ही लॉन्च हुआ, अब उनको अपनी वेबसाइट चाहिए, उन्होंने देखा कि यार ये डोमेन तो हमें चाहिए बट ये डोमेन ऑलरेडी सेल हो चुका है, तो उस केस के अंदर वो क्या करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे कि हमें ये डोमेन चाहिए। अब आपने तो खरीदा 500 में, वो आपसे जितने का मर्जी बेचो। मैंने इनफैक्ट ऐसे भी लोग देखे जिन्होंने 5-5 लाख रुपए तक के डोमेन बेचे हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि थोड़ी माइंड गेम है, आपने सोचना है, एक्टिव रहना है कि किस चीज़ का डोमेन किस टाइम बिक सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और इस जो डोमेन सेलिंग के थ्रू भी लोग बहुत ज़्यादा अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। अब मैं आपको जो चौथा पॉइंट बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन सबसे अच्छा टॉपिक है, सबसे अच्छी जो अर्निंग का सोर्स है, इनफैक्ट उससे आप अपना स्टार्टअप तक कर सकते हो और अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, अपनी कंपनी तक ओपन कर सकते हो। तो इस पॉइंट को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनेगा, दैट इज कि एक वेबसाइट बनाओ और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस दो, यानी कि आपको सर्विस प्रोवाइड करने, यू विल बी अ सर्विस प्रोवाइडर। आपको एक ऐसी वेबसाइट बनानी है, ये सोचना है कि किस चीज की रिक्वायरमेंट लोगों को पड़ सकती है और वो आप कितने में दे सकते हो, जो कि अगर आपके कॉम्पिटिटर है मार्केट के अंदर, अगर आप उनसे कम दे रहे हो या आप उनसे ज्यादा बेनिफिट्स दे रहे हो, उनसे ज्यादा सर्विसेज दे रहे हो, उनसे कुछ डिफरेंट दे रहे हो,
तो लोगों को अट्रैक्ट करेंगे वो आपकी जो सर्विस बाय करने में, और आप इसके थ्रू भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। इसके लिए आपको गूगल एडसेंस की जरूरत नहीं है, दैट इज अप टू यू कि आप गूगल एडसेंस यूज करना चाहते हैं या गूगल एडसेंस यूज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट कस्टमर से भी इसमें बिजनेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रॉप बॉक्स की बात कर लेते हैं, गूगल ड्राइव की बात कर लेते हैं, आपको कुछ स्पेस तो पहले से अवेलेबल करवा दिया जाता है, लेकिन अगर उसके बाद आपको स्पेस चाहिए होता है और ज्यादा, तो उसके लिए आपको बाय करना पड़ता है। सेम ऐसे ही आपको कोई ना कोई ऐसी वेबसाइट बनानी है जिसके अंदर आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहे होंगे। अगर आप प्रोग्रामर हो तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और अगर आप प्रोग्रामर नहीं हो तो प्रोग्रामिंग सीखने के बाद भी, या फिर आप अपने पॉइंट से कि आपके बस सिर्फ आइडिया है कि मैंने ये करना है, तो आप कोई टीम बिठाकर किसी ना किसी प्रोग्रामर के थ्रू काम करवा सकते हो और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो एज ए सर्विस प्रोवाइड कर, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जिसमें हम सॉफ्टवेयर को एज ए सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं अपने कस्टमर्स को। और अब जो मैं बताने वाला हूँ ये शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे, क्योंकि ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट होगा अगर आप इस टाइप का काम स्टार्ट कर लेते हैं तो। यानी कि इसके अंदर आपकी स्किल सेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको सपोज करो वेबसाइट बनाने आती है, अगर आपको सपोज करो एप्लीकेशंस बनाने आते हैं एंड्रॉयड की iOS की, आपको फोटो एडिटिंग करने आती है, तो आपको करना क्या है, बस एक स्किल सेट मजबूत करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है। उसके बाद कुछ वेबसाइट्स है, अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर होगा, इन वेबसाइट्स पर जाकर अपनी प्रोफाइल बनानी है, अपना पोर्टफोलियो अपलोड करना है, अपना बताना है कि कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, किस किस टाइप के आप वेबसाइट्स बना सकते हो, किस किस टाइप के आप एप्लीकेशंस बना सकते हो। उसके बाद क्या होगा कि कस्टमर्स आपको मिलेंगे, यहाँ पे क्लाइंट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आपने बिजनेस करना है, जिसे हम बोलते हैं क्लाइंट बिजनेस के थ्रू हम पैसा अर्न कर रहे हैं। फ्रीलांसर एक मीडिएटर है जो क्या करता है, आपको क्लाइंट से इंटरेक्ट करवाता है डायरेक्ट आपको, और बीच में कुछ कमीशंस रख लेता है। इसी टाइप की काफ़ी सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएगी ऑनलाइन जो कुछ कमीशंस रखेंगी और आपको क्लाइंट्स प्रोवाइड करेगी, और आप उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करोगे, अपना काम करके दोगे जिस टाइप की उनको वेबसाइट्स एप्लीकेशंस फोटो एडिटिंग चाहिए होगा। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपना अच्छा खासा स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हो, जिसमें अगर आपके पास अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, चाहे वो लोकल हो तो चाहे वो इंटरनेशनल हो, अगर अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, अच्छी खासी अर्निंग अगर आपकी होती है, तो आप अच्छा खासा स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हो और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हो। और इसके बाद आपको जो मैं अभी फोर्थ पॉइंट बताया था, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रियल जो है अर्निंग देंगे, अच्छी खासी अर्निंग देंगे, और आपकी लॉन्ग टर्म अर्निंग होगी विद स्टेबिलिटी अर्निंग होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा, और अगर इस टाइप की वीडियोज और चाहिए तो नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा कर जाएगा। मिलते हैं कल को नए वीडियो के साथ। जय हिंद।